Hello all, welcome to the video lecture series of integrated circuits. The subject code is KEC501 and here we are in lecture number 41. So, in last lecture, we finished unit number 5 in that the last topic is phase lock loop PLL. और उस पी में हमने जो लास्ट लेक्चर में स्पेशली कवर किया था डैट इज एन फेज डिटेक्टर की हम लोगों ने बात की थी वॉट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दैट फेज डिटेक्टर किस तरह से वो इनपुट और आउटपुट सिग्नल के फेज को मतलब um, 90 डिग्री सेट करता है टू मैच द फ्रिक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल विद द इनपुट सिग्नल एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन द डिजिटल फेज डिटेक्टर दैट इज एग्जॉर गेट एज डिजिटल फेज डिटेक्टर कि एग्जॉर गेट किस तरह से कंपेरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर वन अब यूनिट नंबर वन की अगर हम बात करो तो यूनिट नंबर वन है आपका सेवन फोर वन ऑपेम्प आईसी जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल सर्किट की पूरी की पूरी एनालिसिस चाहे वो फिर डीसी एनलिस है एसी एनालिसिस है एंड देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डाट सेवन फोर वन आईसी तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाने से पहले जो हमें थोड़ा सा बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दो सर्किट मैं पहले यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपके 741 आईसी के एक्सप्लेनेशन में यूज होते हैं एंड दीज टू सर्किट्स आर करंट मिरर सर्किट दैट इज कॉल्ड द बेसिक करंट सोर्स एंड द सेकेंड वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज विडलार करंट सोर्स और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेसिक्स हैं क्योंकि ये दोनों आपके सेवन फोर वन आई सी के मेन डायग्राम में यूज होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट वन इज द बेसिक करंट सोर्स दैट इज कॉल्ड द करंट मिरर। नाउ एज द नेम डिफाइन करंट मिरर तो करंट मिरर का मतलब क्या है एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर आउटपुट करंट जो होगा अगर मैं बोलूंगी दिस इज माय आउटपुट करंट तो दिस आउटपुट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनपुट करंट तो सर्किट इन वेज द आउटपुट करंट इज फोर्स टू इक्वल द इनपुट करंट इज सेट टू बी अ करंट मिरर सर्किट सो हम ये भी बोल सकते हैं इनपुट करंट दैट इज कॉल्ड द करंट मिरर सर्किट जो कि कांस्टेंट करंट आपको प्रोड्यूस करके देगा आल्सो नोन एज कांस्टेंट करंट सोर्स या बेसिक करंट सोर्स नाउ दिस सर्किट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो इंटरनल है इसका वो ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है तो हमें बेसिकली वो सर्किट देखना है क्योंकि वही सर्किट आपको आईसी सेवन uh, के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी दिखाई देने वाला है सो लेट डिस्कस डार्ट सर्किट तो दिस इज द बेसिक करंट मिरर सर्किट मेड अप ऑफ टू ट्रांजिस्टर पे दो ट्रांजिस्टर मैंने कंसिडर किए हैं नेमिंग इज़ Q3 एंड और कॉन्सेप्ट होता है अगर दो ट्रांजिस्टर हैं दैट इज ड्रिवन बाय द सेम बेस दैट इज कनेक्टेड बाय द सेम बेस अगर इन दोनों का बेस कनेक्टेड है आपस में और किसी एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ये जुड़े हुए हैं कलेक्टर टर्मिनल से इफ दीज आर द टू ट्रांजिस्टर तो अगर आपके दो ट्रांजिस्टर के बेस आपस में कनेक्टेड है एंड ड्रिवन बाई वन ऑफ द कलेक्टर टर्मिनल ऑफ एनी ऑफ द ट्रांजिस्टर देन दीज टू ट्रांजिस्टर फॉर्म अ करंट मिरर सर्किट दोनों ट्रांजिस्टर बेस कॉमन किसी एक कलेक्टर से ड्राइव हो रहे हैं तब मैं बोलूंगा दीज टू आर इन करंट मिरर फॉर्म ठीक है अब जब करंट मिरर फॉर्म में हो जाते हैं तो सर्किट आपको कुछ इस तरह से यहां पे दिखाई दे रहा है ये राय थ्री एंड दिस दिस इज द बेस कॉमन ये बेस कॉमन हो गया जो कि आपके एक कॉमन कलेक्टर यानी कि इस कलेक्टर से ड्राइव हो रहा है सो दिस टू ट्रांजिस्टर फॉर्म अ करंट मिरर सर्किट तो इसमें क्या होगा क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि दोनों के बेस करंट एक दूसरे के इक्वल हैं ट्रांजिस्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर के अंदर दिस इज माय बेस जंक्शन दिस इज माय बेस टर्मिनल जिस पे आपका करंट फ्लो करता है आई बी सो यहाँ पे आई बी थ्री इज इक्वल टू आई बी फोर होगा सिमिलरली आपके ट्रांजिस्टर पे यहाँ पे एक ड्रॉप कंसिडर की जाती है डाट इज कॉल्ड द बेस टू ए ड्रॉप तो यहाँ पे अगर ड्रॉप की बात करें तो यहाँ का ड्रॉप होगा वी बी ई थ्री और यहां का ड्रॉप होगा वी बी फोर सो बिकॉज दीज टू ट्रांजिस्टर आर आइडेंटिकल सो वी बी थ्री इज इक्वल टू वी बी फोर एंड सिमिलरली द नेक्स्ट इज कलेक्टर करंट होता है एक हमारे पास पैरामीटर के तौर पे तो आई सी तो सिमिलरली जो यहां का आईसी फोर है दैट आई सी फोर इज इक्वल टू आई सी थ्री बिकॉज दीज टू ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड बाय द सेम बेस बट अब हम यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो IC3 है बिकॉज दिस इज अ करंट मिरर सर्किट बेसिक करंट मिरर सर्किट जिसके अंदर आउटपुट करंट डॉट IC3 थ्री इज इक्वल टू द इनपुट करंट ये जो आपका सर्किट पे अप्लाई हुआ है डॉट इज योर यू करंट सो अल्टीमेटली हमें प्रूव करना है कि IC3 IC2 के इक्वल है तभी मैं बोल रहा हूं कि दिस इज अ करंट मिरर सर्किट तो अकॉर्डिंग टू अवर एजेंशन अभी तक हमने देखा दैट इज डीज टू ट्रांजिस्टर आर आइडेंटिकल सो वी बी थ्री वीबी फोर इक्वल हो गया आईसी थ्री आईसी फोर के इक्वल हो गया एंड आई बी थ्री आई बी फोर के इक्वल हो गया नाउ अगर इस नोट पे हम के सी एल की बात करें सो दिस इज द इनकमिंग करंट आई टू जो कि दो करंट में डिवाइड हो रहा है वन इज कॉल्ड आई एंड वन इज कॉल्ड आईसी फोर तो आई कैन राइट आई टू इज इक्वल टू आई सी फोर प्लस आई राइट right? नाउ अगर आप फर्दर देखेंगे तो ये जो आई करंट है ये फर्दर दो करंट में डिवाइड हो गया वन इज कॉल्ड द आई बी थ्री एंड वन इज कॉल्ड आई बी फोर यानी कि दिस आई कैन बी रिटर्न एज आई बी थ्री प्लस आई बी फोर सो नाउ आई टू इज इक्वल टू आई सी फोर प्लस आई बी थ्री प्लस आई बी फोर नाउ अब हमें पता है कि आई बी और आई बी थ्री तो एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों बेस करंट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों बेस करंट को इक्वेट करा सकते हैं तो डाट कैन बी रन एस ट्वाइस ऑफ आई बी थ्री और ट्वाइस ऑफ आई बी फोर आप कोई भी डायरेक्ट कोई भी करंट की फॉर्म में लिख सकते हैं बट अल्टीमेटली मुझे किसकी टर्म यहां पे जनरेट करनी है मुझे यहां पे जनरेट करनी है आई सी थ्री की वैल्यू सो so, मैं सारे के सारे करंट जो हैं वो आईसी थ्री की टर्म में कन्वर्ट करूंगा सो आई विल राइट एज दिस आईसी फोर इज इक्वल टू आई सी थ्री तो यहां पे हो जाएगा आईसी थ्री और प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस आई बी थ्री राइट सो माई नेक्स्ट स्टेप इज I2 टू इज इक्वल टू ट्वाइस आई बी फोर प्लस थ्री या ट्वाइस आई बी थ्री प्लस थ्री ये मेरा रिक्वायर्ड स्टेप आएगा ज वी नो इन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट जो होता है दैट इज बीटा टाइम्स ऑफ आई बी वे बीटा डिफाइन द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर सो यहां से अगर आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी है तो हम इस आई सी थ्री की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं इस आई बी थ्री की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आई बी थ्री की वैल्यू को लिख सकते हैं आई बी थ्री इज कन्वर्टेड इन टू आई सी थ्री एंड डेट कैन बी टन एज आई बी इज इक्वल टू आई सी थ्री बाय बीटा Ib3 बी इक्वल टू आई सी बाय बीटा सो दिस I2 कैन रिटर्न एस टू Ic3. ऑफ बाय बीटा प्लस आप Ic3 को कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा वन प्लस टू बाय बीटा अब नाउ हमने पहले ही पढ़ा है ट्रांजिस्टर के अंदर कि बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज वन सो हम बीटा को यहाँ पे निग्लेक्ट कर देते हैं एंड वी कैन से दैट दिस आई टू करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी थ्री दैट मीन्स आई सी थ्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई टू दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग कि ये सर्किट हमारा करंट मिरर फॉर्म कर रहा है जिसमें कि आउटपुट करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इनपुट करंट

ठीक है देन उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे आप नोड नंबर ए पे आएंगे अब ए से मैं ट्रांजिस्टर के अंदर नहीं जा सकता बिकॉज आई डोंट हैव दिस वोल्टेज वी सी ई यहाँ पर क्या वोल्टेज जनरेट होगी वी सी बी कलेक्टर और बेस ये वोल्टेज मेरे पास है नहीं तो मैं इस बात को फॉलो नहीं कर सकता मैं कहाँ जाऊँगा मैं जाऊँगा आगे और आगे जाने के बाद जब आप इस नोड पर आएंगे तो चाहे तो आप इस क्यूथरी ट्रांजिस्टर को फॉलो करते हुए तब यहाँ पर आ जाइए ठीक है या आप इस Q4 फोर ट्रांजिस्टर को बेस को फॉलो करते हुए बेस एमिटर को फॉलो करते हुए हम आ जाएंगे वीई तक दैट मीन्स आप कोई भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं दोनों ही पाथ में सेम ड्रॉप होने वाला है सो आई विल कंसिडर दिस Q3 थ्री पाथ फॉर एन एग्जाम्पल तो माइनस ऑफ वी बी थ्री इसके बाद क्या आ जाएगा यहां का माइनस ऑफ वी बी थ्री देन माइनस माइनस ऑफ वीई इज इक्वल टू फाइनली जीरो देन अगर मुझे यहाँ से आई टू को कॉल करना, so करना है तो आई टू की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी वीई ई माइनस वी बी थ्री डिवाइडेड बाई आर टू नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन सेट द वैल्यू ऑफ आर टू वी कैन सेट द वैल्यू ऑफ आई टू बाय पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज अगर मैं डिजाइनिंग फॉर्म में बात करूंगा आपको बोला जाए आपको एक फाइव एम्पियर का करंट यहाँ पे प्रोड्यूस करना है तो फाइव एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करने का मतलब है दिस वोल्टेज इज फिक्स पर्टिक्युलर सर्किट uh, आपका वीबी ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स हो गया आपको आई टू फिक्स कर दिया कि फाइव एम पे डिजाइन करना है तो वट यू हैव टू डि है अब तक हमने डिजाइनिंग में यही पढ़ा है कि जब हम रजिस्टेंस की वैल्यू को पुटअप करते हैं रजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर डिजाइनिंग वही सेम चीज यहां पर भी है बट मैं यहां डिजाइनिंग पार्ट पर नहीं जा रहा हूँ आई वॉन्ट टू गिव यू अ बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिसर सर्किट की जब भी इस तरह की कंफ्रिगेशन आपको दिखेगी जो हम सेवन फोर वन में बहुत जगह देखेंगे मतलब दो तीन जगह देखेंगे उस पॉइंट पे हम बार बार ये बोलेंगे कलेक्टर करंट इज इक्वल टू दिस कलेक्टर करंट कलेक्टर करंट इज इक्वल टू कलेक्ट इनपुट करंट तो दैट इज अवर करंट मिरर कॉन्सेप्ट नाउ तो इम्प्रूव दिस करंट मेरा कॉन्सेप्ट जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज कॉल्ड विडलार करंट सोर्स तो विडलार करंट सोर्स में क्या हुआ ऑपरेशन एम्पलीफायर 741 फोर वन की अगेन अगर मैं बात करूं तो जो इसकी इनपुट स्टेज है उसको बास करने के लिए बहुत लो करंट रिक्वायरमेंट है कलेक्ट द करंट ऑफ ऑर्डर फाइव माइक्रो एम्पियर इतना कम करंट रिक्वायर्ड होता है टू ड्राइव द इनपुट स्टेज ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर अब इस लो मैग्नीट्यूड के करंट को हम ऑप्टेन कर सकते हैं मॉडिफाइड सर्किट कॉल्ड द विडलार करंट सोर्स मैं इसी करंट मिरर सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूंगा और ये मेरा बन जाएगा विडलार करंट सोर्स टो वट इज दैट मॉडिफिकेशन सो दिस इज द विडलार करंट सोर्स सर्किट देखिए यहाँ पे क्या किया ये वही है आपका रेजिस्टेंस आई रेफरेंस करंट और यहाँ पे आपके दोनों ट्रांजिस्टर सेम बेस कनेक्टेड हैं दिज टू ट्रांजिस्टर Q1 वन एंड क्यू टू नाउ द डिफरेंस इज वॉट यहाँ हमने एक अमीटर रजिस्टर अप्लाई कर दिया जिससे कि अब ये दोनों ट्रांजिस्टर के VBE जो ये VB थे ये अब इक्वल नहीं रह जाएंगे VB बी इक्वल नहीं होंगे कलेक्टर करंट इक्वल नहीं होंगे बिकॉज ड्यू टू दिस अमीटर रजिस्टर यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए तो अब हमें इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है कि इस केस में हमारा जो ये आउटपुट करंट है ये क्या कैलकुलेट होके आ रहा है डॉट आई सी टू की वैल्यू क्या आने वाली है हम उसको सॉल्व करते हैं सो लेट्स स्टार्ट बाय द सेम प्रोसेस जो हमने पीछे भी देखा था क्या प्रोसेस था कि अप्लाई के सी एल टू द बेस एमिटर लूप नॉट केसीएल वी विल अप्लाई दिस केवीएल अप्लाई केवीएल टू द बेस एमिटर लूप बेस एमिटर लूप कौन सा अब मैं इस नोड से एक केवल स्टार्ट कर रहा हूं टूवर्ड्स द ग्राउंड सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोड अगर मैं सपोज इस Q1 वन ट्रांजिस्टर को फॉलो करते हुए जाऊं और मैं यहाँ पे मानूँ सपोज इज V1 वन फॉर एन एग्जाम्पल सो अगर यहाँ की वोल्टेज V1 मैंने लेट करी और मैं इस नोड को फॉलो करते हुए Q1 वन ट्रांजिस्टर को फॉलो करते हुए ग्राउंड पे आ जाऊं, तो मैं केवल बनाऊंगा V1 वन माइनस वी बी ई वन इज इक्वल टू जीरो इज द वैल्यू ऑफ वी वन सो वी वन इज इक्वल टू बेसिकली वॉट वी बी ई वन वन इज बेसिकली वी बी वन बट क्या मैं यही काम यहां पर कर सकता था नहीं क्यों क्योंकि यहां पर आई ई आर टू भी ड्रॉप आएगा और मुझे इस आई ई की वैल्यू नहीं पता ठीक है सो दैट मीन्स मैं यहां पर डायरेक्टली बोल सकता हूं कि दिस नोड वोल्टेज इज वी बी ई वन तो अब अगर मैं इस नोड से शुरू करके अपटू ग्राउंड तक एक के केवेल कंसिडर करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा वी बी ई वन माइनस दिस ड्रॉप बेसेमीटर जंक्शन जब हम ट्रांजिस्टर क्रॉस करेंगे दैट इज वी बी ई टू माइनस न सोल्व वीबी वन माइनस वी बी ई टू इज इक्वल टू आई टू आर ई आपका राइट हैंड साइड पर चला गया नाउ एज वी नो द रिलेशन आई ई इज इक्वल टू होता है आई बी प्लस आईसी और आई बी होता है हमारा क्या आई बी आई बी में लिख देते हैं आई सी हमारा होता है बीटा आई बी या इसे हम लिख देते हैं आई सी अपॉन बीटा प्लस आई सी तो डैट कैन बी रिटर्न एज वन ओवर वन प्लस बीटा इनटू आई सी तो यही चीज यहाँ पर रिप्लेस करी है आई ई टू इज रिटर्न एज वन प्लस वन ओवर बीटा इंटू आई सी टू दैट इज द आई ई टू वैल्यू सो अल्टीमेटली वी बी वन माइनस वी बी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी वन प्लस वन बाई बी टाइम आई सी टू इंटू आर ई दाई क्वेश्चन वीबी टू वैल्यू ठीक है तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि यहां पे ड्यू टू दीटर रजिस्टर वीबी वन और VB2 अब की बार इक्वल नहीं है दे हैव अ डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज गिवन बाय 1 प्लस वन बाई बीटा IC2 टू इंटू नाउ फर्दर एनालिस वी विल कंसिडर द एबर मॉल मॉडल ऑफ द बीजेटी अगर आपने अभी तक इसको शायद कहीं नहीं पढ़ा हो पिछले अपने सब्जेक्ट में तो आप स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम द एबर स्मॉल मॉडल द कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर क्यू वन एंड क्यू टू कैन बी रिटर्न एज दिस आई सी वन इज इक्वल टू अगर मैं क्यू वन की बात करूँ तो so इसका कलेक्टर करंट हम लिख सकते हैं डेट इज आई ऑफ एस एक्सपोनेंशियल यानी ई टू दावर वी बी ई वन यानी कि बेस एमिटर वोल्टेज बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज डिवाइडेड बाय द वीटी नाउ वॉट इज दैट वी टी वी टी इज नथिंग बट द टर्मिनल वोल्टेज या थर्मल वोल्टेज भी बोलते हैं दैट इज गिवन बाय के टी बाई क्यू इफ यू रिमेंबर के इज द बॉल्समैन कॉन्स्टेंट वन पॉइंट थ्री एट इंटू टन टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री की वैल्यू होती है देन टी इज द रूम टेम्परेचर जिसको हम थ्री हंड्रेड डिग्री कैलविन लेते हैं और क्यू इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वन पॉइंट नाइन इंटू टू पावर माइनस नाइनटीन That is your Q value. So, Boltzmann constant. टेम्परेचर और क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है दैट इज़ अप्रॉक्सिमेली इक्वल टू 25.9 जिसे हम बोलते हैं 26 सिक्स मिली वोल्ट तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 26 सिक्स मिलीवोल्ट भी हम आगे चल के यूज़ करेंगे बट फिलहाल अभी के लिए अबर स्मॉल मॉडल में आई की वैल्यू होती है मतलब कलेक्टर कर्न की वैल्यू होती है डैट इज आई एफ एस रिवर्स सिचुएशन कर्न एक्सपोनशियल वी बी वन बाई वी टी सिमिलरली आई की वैल्यू लिखनी है इज आई एस एक्सपोनशियल वी बी टू बाई वी टी सो so, अगर मैं आईसी वन डिवाइड बाई आईसी टू कर दूं तो आई एस से आई एस कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल वी बी वन बाई वी टी डिवाइड वी बी टू बाई वी टी हो जाएगा और अगर मैं बात करूं ई टू दावर एक्स डिवाइड बाई कैन बी टर्न एज टू इक्स माइनस वाई तो सेम चीज यहां पे करी है वी बी ई वन बाय वी टी डि माइनस वी बी ई टू बाय वी टी सो अल्टीमेटली वी टी इज कॉमन ये हो गया वी बी वन माइनस वी बी टू और अगर मुझे वी बी वन माइनस वी बी टू की वैल्यू चाहिए सो आई हैव टू टेक बोथ साइड लॉग और लॉग भी कैसा लेंगे बेस ई e, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल पावर सो दोनों साइड का आपने बेस लॉग ई करा तो ये बच जाएगा वी बी वन बाई वी बी टू डिवाइडेड बाई वी टी यहाँ पर आ जाएगा एल एन ऑफ आई सी वन बाय आई सी टू अल्टीमेटली ये जो वी टी है राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो यू विल गेट वी बी वन माइनस वी बी ई टू इज इक्वल टू वी टी एल एन आई सी वन बाय आई सी टू दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन सो एक इक्वेशन हमें मिली थी वीबी वन माइनस वीबी टू की जो कि यहाँ पे इक्वल थी वन 1 प्लस 1 एक हमने जो एबर स्मॉल इक्वेशन हमने कैलकुलेट करी वीबी वन माइनस वीबी एल एन आईसी वन बाई आई सी टू सो आई कैन इक्वेट दीज इक्वेशन तो जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी आईसी टू आर वन प्लस वन बाय बीटा इज इक्वल टू वी टी एल एन आई सी वन आई सी टू नाउ सिंस बीटा इज मच मच ग्रेटर देन वन देयरफॉर ये टर्म हो जाएगा टू आर ई जिसको आप इक्वेट करा दो एंड फ्रॉम दिस वी कैन सेट द वैल्यू ऑफ आर ई इज इक्वल टू वी टी बाई आईसी टू एल एन आईसी वन बाय आईसी टू सो आई होप आपको यहां तक के डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ हमने आर को कैलकुलेट किया है सो वी कैन कैलकुलेट या वी कैन डिजाइन दिस विडलार करंट सोर्स बाय सेटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर और आर को सेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए वीटी वीटी मेरा फिक्सड है आई सी वन एंड आई सी टू सो आई सी टू आई सी वन कहाँ से आएगा आई सी वन इज बेसिकली दिस आई रेफरेंस जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द सेम मैनर जैसे कि हमने बेसिक करंट मेर में केवल लगाया था सो so यहाँ से अगर हम के केवेल लगाएं सो so केवल लगाने से हमें क्या मिलेगा वी सी सी माइनस ये ड्रॉप तो ये ड्रॉप हो जाएगी आई के आई रेफरेंस इनटू आर उसके बाद आप कलेक्टर जंक्शन पर नहीं जा सकते बिकॉज कलेक्टर टर्मिनल को क्रॉस करने के लिए मेरे पास कोई वोल्टेज नहीं है आई विल फॉलो दिस बेस जंक्शन और इस बेस जंक्शन पे यहां पे कितनी वोल्टेज थी वी बी वन सो अल्टीमेटली वी बी वन से होते हुए आप कहां तक आ जाएंगे ग्राउंड तक डेट इज इक्वल टू जीरो सो अल्टीमेटली आई रेफरेंस की अगर मैं वैल्यू की बात करूं सो आई रेफरेंस कैन बी रिटर्न एज वी सी सी माइनस वी बी वन डिवाइडेड बाई आर दैट गिवस मी आई रेफरेंस जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं आईसी वन So, यहां से आई रेफरेंस आ गया आईसी वन आ गया आईसी टू आप सेट कर सकते हो बाय द गिवन वैल्यू ऑफ द आर ई तो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द विडलार करंट सोर्स और ये दोनों इंपॉर्टेंट सोर्सेज यानी कि करंट मिरर और मिडलार करंट सोर्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट टू स्टडी द सर्किट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं ओपैम्प इंटरनल स्ट्रक्चर उस ओपैम्प 741 इंटरनल स्ट्रक्चर में ये दोनों ही सर्कटरी यूज होती हैं टू बास द इनपुट स्टेज और टू प्रोवाइड द करंट सो दो इसलिए दोनों का मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर करा है इसे समझने के बाद आपको नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर में इन दोनों को समझने में इन दोनों की वर्किंग मैं आप डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ मुझे आपको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस दिसवन फोर वन आईसी इंटरनल आर्किटेक्चर यानी कि सेवन फोर वन आईसी तो स्टेट यून मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू